नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में सिद्धू बॉर्डर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के कथित आरोपों को लेकर के दलित व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में तथा हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग सिखों के गुट के मुखिया के साथ भाजपा नेताओं के फोटो होने और फोटो सामने आने को लेकर के हरियाणा की सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल से पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कानून हाथ में लेकर के किसी की भी तरह इस तरह से बेरहमी से हत्या की जाए। सांसद ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखे संदेश को पढ़ करके सुनाया। सांसद ने कहा कि इस समय घटना की हम निंदा करते हैं और इस घटना में जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। जिन लोगों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है और लोग जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई कर रहा है। कुछ लोग गिरफ्तार भी किया जा चुके हैं। फतेहाबाद में महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में सुनीता दुग्गल पहुंची थी। उन्होंने इस दौरान गुरु ग्रंथ साहब में लिखे मानव कल्याण से संबंधित संदेशों को बोलकर सुनाया। वहीं दूसरी ओर यूपी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने के सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को पंचायत और निकाय चुनाव में 50% तथा भागीदारी दे चुकी है और महिलाओं को और उनके सम्मान को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने अथक प्रयास भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 7 महिलाओं को जगह देकर के महिलाओं को पूरा सम्मान दिया है। सांसद सुनीता दुग्गल ने आज फतेहाबाद में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वाल्मीकि धर्मशाला में सांसद कोटे से बने कमरों का उद्घाटन किया। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि पर्वोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो मेरी तरफ से ग्रांट दी गई थी उससे जो कमरे बने हैं उनका उद्घाटन था। इसके साथ साथ शोभा यात्रा है और सभी लोगों के बीच में आकर महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को मनाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसी उपलक्ष्य में मेरा यहाँ पर आ जाना। एलनाबाद का चुनाव चल रहा है जी, उसके अंदर आपकी कैसी तैयारियाँ हैं? बहुत जबरदस्त तैयारी है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगली बार आप देखना कि एलनाबाद में जो है एक अलग ही तरह का इतिहास रचा जाएगा और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और हमारा जो जेजेपी का और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है भाई गोविंद वो आपने ना किसी को वहाँ से जीत दर्ज करेंगे। बहन जी, यूपी के अंदर प्रियंका गांधी ने 40% महिला आरक्षण सीट देने की आप महिला हो कैसे देखते हो जी आप? देखिए, हम लोग तो हमारी सरकार ने पहले ही आपने देखा होगा कि चाहे पंचायत की बात करें चाहे म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो हम लोगों ने तो 50% करीब पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण किया हुआ है और बहुत सी महिला सरपंच आप देखते होंगे कि कितना तरक्की के रास्ते पर है और बहुत काम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से और खासकर जो हमारी पार्टी है उसके अंदर भी अगर आप देखें और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से 7 महिलाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो मंत्री बनाया है। तो हमारी सरकार तो पहले से ही और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तो पहले ही जो है महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के ऊपर एक दलित की कृपान से उसकी हत्या कर दी गई है, बेअदबी को लेकर एक दलित है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? और कई नेता ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ बैठ के खाना खुना करते हैं, उसको देख के किसान भी इसको पूरा करे, क्या कह रहे हैं जी? देखिए, ऐसा है कि ये जो काम हुआ है ये बहुत ही घृणित है और इसकी जितनी निंदा की जा सके उतना कम है और मुझे लगता है कि हमें शासन प्रशासन कानून अपना काम कर रहा है और उनको पकड़ भी लिया गया है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह की नृशंस हत्या किसी की करें। अगर आप देखिए कि हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा था कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जब उपजया कौन पले कौन मंदे।